2 मई के दिन जनपद में 2 वीवीआईपी नेताओं के पहुंचने पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रही, क्या कड़े इंतजाम किए गए थे, आइए आपको भी दिखाते हैं। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें नगर के वाल्मीकि पुलिया की तस्वीरें हैं। यहाँ रास्ते को बंद किया गया है। बता दें कि 2 मई के दिन जनपद में 2 वीआईपी नेताओं की मौजूदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरा नाम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती थी। जब 2 वीवीआईपी एक साथ एक ही दिन जनपद पहुंचे तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम होना स्वाभाविक है। ऐसी ही तस्वीरें पूरे नगर में देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस के जवान, आईटीबीपी के जवान और गैर जनपद से भी फोर्स को बुलाया गया था, जिसमें क्षेत्राधिकारी समेत इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर शामिल थे। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी यहां सुरक्षा व्यवस्था करती दिखाई दी। आईटीबीपी के जवान भी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे नजर आए।